to the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कुशीनगर। कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज हम लोग वहाँ पे घूमने आए हैं। क्या चीज़ है ये? दामभर खेत। तो भाई यहाँ हम आ गए हैं। ये है रामाभार सत्तु, रामाभार नाम है ये। देखो भाई, अब इसमें पढ़ लेना, इसमें क्या क्या है। बाकी ये भी किसी को आती हो पढ़नी तो ये भी पढ़ सकता है। बाकी ये है, ये क्या चीज़ है, ये है क्या? अरे समाधि है क्या इतनी बड़ी? गौतम बुद्ध जी की समाधि है। तो भाई ये देख लो, गौतम बुद्ध जी की समाधि है और ये काफी ही बड़ी बना रखी है। बाकी यहाँ पे बच्चों खेलने के लिए बहुत सुंदर है। और उस तरफ भी थोड़ा सा पार्क वगैरह है और थोड़ा सही सा लगता है, मतलब बिल्कुल बढ़िया सा। गोरखपुर के पास में ये जगह है। गोरखपुर से अराउंड 30-40 किलोमीटर के अराउंड है ये जगह। और ये पूरा ऐसा ही है, गोल सा ये राउंड सा टेंपल है। टेंपल क्या बोलोगे, तो समाधि बोलते हैं। हाँ, समाधि टाइप में ये पूरा राउंड सा है। बाकी उधर भी हैं, देखो झूले लगे हुए हैं इधर बहुत सारे बच्चों खेलने के लिए। तो भैया ऐसे ही पूरा राउंड सा है, गोल सा है, पूरा राउंड सा। पता नहीं शायद इस पे चढ़ने का है कि नहीं है, समाधि पे कौन चढ़ता है यार। बट ये ऐसा राउंड सा बना रखा है, एकदम पिरामिड जैसा। तो बड़ी बड़े सही सी चीज लग रही है। बाकी ऐसे पार्क है, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं और बढ़िया सा लग रहा है। बस कुछ अभी यहाँ से हम लोग और भी 2-3 जगह पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे गोरखपुर को, गोरखपुर देवरिया को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ये आता गोरखपुर भाई, उस टाइम में कुछ बना रखा है। मे बी ये शायद कुछ मंदिर का ही पार्ट है। मेरे बड़ा सुंदर सा लग रहा है, देखो दिख रहे हो। अभी तो फिलहाल ये मे बी बंद है, बट ये मंदिर का कोई पार्ट है कुछ। तो फ्रेंड्स, अभी ये देखो, अभी कुछ श्रद्धालु आए हैं। अभी क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से पूरी परिक्रमा करेंगे, पूरे ऐसे घूम के उस तरफ से फिर आएंगे। अभी जितनी बार भी करें
तो यार हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो लोग यहाँ पे आके करते हैं। भाई कोई देखेगा तो मेरा फोटो दिखेगा। अभी अभी उधर से हम लोग निकल आए हैं और आप निकल आ गए बुद्धा घाट, बुद्धा घाट पे आ गए। यहाँ भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। शारदा यादव धर्मशाला है ये, और तो भाई ये है घाट, और यहाँ देखो नीचे देखो, यहाँ बोटिंग वगैरह होती है बढ़िया सी, सही है ना। नीचे से नदी का पानी है, ताल का पानी है, ऐसे कुछ है। और यहाँ पे वोटिंग के लिए टिकट काउंटर भी है, चार्जेस होंगे इसके 50-100 रुपीस में चार्जेस हैं। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंदिर भी है, दर्शन हो गए, चलते हैं इधर और आपको दिखाते हैं घाट। इधर देखो बच्चों के झूले भी हैं बहुत सारे झूले हैं। ये देखो यहाँ क्या सही सा लग रहा है, क्या मेबी शायद कहीं से नदी का पानी आ रहा है जिसकी वजह से इसमें झील बनी हुई है, तो सही सा लग रहा है बिल्कुल। बुद्धा चिल्ड्रन पार्क ये देखो, यहाँ पे है भाई टूरिस्ट प्लेस कुशीनगर। ये सारे टेम्पल्स है इतनी इतनी दूर पे हैं, 800 मीटर, 100 मीटर। और अभी हम यहाँ पे जा चुके हैं रामभर सुपुत पे, और बाकी सारे ये टेम्पल है इतनी दूर, और 120 किलोमीटर के अराउंड ये सारे कुछ टेम्पल है। क्या खा रहे हो? अच्छा तभी चटकारे ले रहे हो, देख रहे हो भाई ये देखो कितनी छोटी छोटी फिशेज हैं, ये देख रहे हो, ये देखो कितनी छोटी छोटी हैं, ये देखो बच्चे। हाँ है ना, और बच्चे तो भाई फोटो वोटो क्लिक हो गई है। अभी आ गए हैं यहाँ पे, यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ सारे झूले लगे हुए थे ना तो सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब इनको देखते हैं और बस फिर यहाँ से तीसरी डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। बाकी यार यहाँ पे ना बड़ा सही सा लग रहा था कि नीचे जो बोटिंग वगैरह हो रही थी ना बहुत सही सा लग रहा था। देखो ये इन्होंने इनका निर्माण कराया था, गौतम बुद्ध शारदा फाउंडेशन ट्रस्ट। तो भाई यहाँ से देखो ये विपासना मेडिटेशन सेंटर है 6 किलोमीटर पे इधर, ध्यान योग शिविर जहाँ लगता है, तो जिसको भी भाई ध्यान योग करना हो वो यहाँ आ जाए। बाकी तो मैं लोकेशन शेयर कर ही दूंगा लिंक में, आप चेक कर लेना। तो भाई अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, यह है थाई मंदिर, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और ये है पालिका परिषद, देखो यहाँ पे है बर्थ अलाइनमेंट और महापरिवर्तन।
तो भाई अभी हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे अपना शूज़ वगैरह निकालने हैं। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पे शूज निकाल के यहाँ भी कुछ भाई लिखा हुआ है इसके बारे में, कुछ हिस्ट्री तो आप लोग देख सकते हैं। ये बाकी पढ़ लेना। ये देखिए, ये बड़ा सा घंटा है और यहाँ पे हम इसको बजाएंगे। गौतम बुद्ध जी का, अच्छा सबकी करनी पड़ेगी, एक आदमी कर देगा? अच्छा एक आदमी कर दो, ठीक है। ये देख रहे हो हाथी कैसा ही लग रहा है। यहाँ देखो ये भाई, वो जो एक्टिविटीज ये जो ट्रस्ट कराता है ये उसकी है सारी चीजें। कैसे ही लग रहा है ना यहाँ पे, मतलब देखो किस ये मंदिर तो कितने उससे बनाया हुआ है। देखो जो कारीगरी होती है ना कितनी बढ़िया कर रखी है। ये देख रहे हो कैसा ही है, ये देखो ये देखो ये देखो। अब ये है मंदिर, मंदिर है। अभी चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये हैं गौतम जी, बुद्ध जी, और ये देखो ये देखो। ये देख रहे हो ऊपर क्या सही है। यहाँ से कुछ नीचे का व्यू आता है। कितनी बढ़िया तरीके से सारी चीजें करी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे क्या सही लग रहा है, एकदम भूटान वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। वो सामने देखो, वो मंदिर देखो, वो सामने मंदिर देखो, क्या सही लग रहा है ना। टेक्सचर कितना अच्छा है इसका, बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। भाई ये देखो पीछे बैक साइड से, और ये मंदिर का कुछ बैक व्यू है, और ये प्रतिमा लगी हुई है गौतम बुद्ध जी की। और ये देखो क्या सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल में आ गए हूँ। तो भाई घूम लिए हम लोग साई मंदिर, और इसके आगे चलते हैं और कौन सा मंदिर है वो देखते हैं। बाकी तो यार बड़ा पीसफुल था ये, बहुत ज़्यादा शांति थी यहाँ पे। और जो गौतम बुद्ध जी का जो मंदिर होते हैं ना, सबका जो टेक्सचर होता है ना सेम ही होता है हमेशा। आप जहाँ भी देखोगे ना हर जगह आपको एक ही टेक्सचर मिलेगा, लेकिन कुछ भी तो बहुत बढ़िया था। तो भाई अभी आराध्य को लग गई है प्यास, और हम लोग जा रहे हैं पानी की बॉटल लेने। सामने से लेते हैं पानी की बॉटल। कितनी बेटा, कितनी? दो बॉटल देना भैया, पानी की दो बॉटल दे दो। तो भाई आ गए बॉटल लेके, अब आगे चल रहे हैं, और आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये ना वो मंदिर है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने ना विश्राम किया था, तो विश्राम किया था तो यहाँ पे उसका मंदिर बन गया है। अभी आगे चलते हैं, बहुत अच्छा पार्क है और भी चीज़ें हैं। मैं ही फर्स्ट टाइम ही आऊँ यहाँ पे, सो चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। बाकी आराध्य ने ले लिया पानी ले लिया आराध्य ने, हमने पानी ले लिया। चल रहे हाँ, चलो आ जाओ, चलो भाई फिर आगे चलते हैं। तो भाई वो सामने देख रहे हो, वो सामने मंदिर है, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने विश्राम किया था, तो विश्राम किया था तो ये मंदिर बन गया। बाकी देख लो यार, ये वो रेड कपड़े वाले लोग दिखते हैं यहाँ पे,
मतलब ये एक्चुअली गौतम बुद्ध जी के, बाकी ये देखो मस्त सा एक पार्क है और वहाँ आराध्या, वो रही आराध्या वहाँ पे मस्ती कर रही है बढ़िया से। चलो अभी तो यहाँ पे बैठे हैं, फिर आगे चलते हैं, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make ईटों का हिस्सा मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ईटें क्यों बना रखी हैं यहाँ पे इतनी सारी। देखो ये जो देख रहे हो, पता नहीं क्यों लगा रखी हैं सीटें। और ये है वो मंदिर। तो भाई ये वो मंदिर है सामने देखो। और देखो यहाँ पे ना हर जगह पे ये जैसे ईटें लगा रखी हैं, हर जगह ईटें लगी होंगी यहाँ पर, हर जगह दिखेंगे। देखो ये पढ़ लेना यार, इसके बारे में कुछ है। ये चाइनीज भाषा है, इसमें पढ़ लेना, बाकी ये हिंदी है, इनको पढ़ लेना। ये है भाई वो मंदिर। शायद पहले पानी था, अभी तो सूख गया है। गौतम बुद्ध जी बैठे हैं अभी। अब फिर दिन यहाँ पे देखते हैं चारों तरफ से। भाई आप लोगों ने देख लिया, गौतम बुद्ध जी यहाँ पे विश्राम कर रहे थे, इस वजह से मंदिर बनाया। अब इधर चलते हैं आगे, इधर भी कुछ देखते हैं। यहाँ पे क्या पानी वानी कर रहता है क्या? हाँ देखो तभी यहाँ पे पानी था, अभी सूख गया है। और वो बड़ी से सामने देख रहे हो, ये देखो ये तलवार भी रखी हुई है। यहाँ देखो यहाँ सब ध्यान ला के बैठे हैं, ध्यान लग रहा है सबको। यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है, यहाँ पे पीछे देख रहे हो, पीछे वो लोग देख रहे हो वो पूजा कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे समाधि है उनकी, उनको माला वगैरह चढ़ाई जा रही है। समाधि है यार, तुम्बत कितना सही बना रखा है, कितना ऊंचा सा बना रखा है। तो दूर कहीं भी कोई मंदिर है वहाँ सामने, वहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई पूनम जो भी है ना, और ये महेश है जो भी, प्लीज यार इस पे मत लिखना। तो भाई हमारे साथ ब्लॉग में देखो ये भी आई थी, ये भी आई है। और भाई ये देखो, तो अगर आप लोगों को थॉट वगैरह देखने हैं तो भाई देख लेना ये देखो। अरे वो मनोकामना लिखी थे सारी, अफीना आई लव यू वगैरह सब देखो, ये देखो, ये देखो, मुझे मेरी माँ बाप 1 2 3 अरे भाग गए।
बूढ़ी माता मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? बुढ़िया माता मंदिर आ गए हैं हम। और इस मंदिर की मान्यता बहुत है, कहते हैं यहाँ पे जो मांगते हैं वो पूरा होता है, तो हमने कहा चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। ये पड़ता है कुशीनगर के जो जंगल है उनके अंदर ये मंदिर पड़ता है। मैं भी इसका भी लोकेशन आपको आज का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक करना। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। आगे चल के देखते हैं अभी, ये तो कुछ मार्केट है यहाँ की। तो भाई हमने प्रसाद ले लिया, अभी हम जा रहे हैं बुढ़िया माता के मंदिर, बुढ़िया देवी के मंदिर। हाँ अरे तो वो है कमल है, कमल है कि वो दूसरे कोई एक होता है वो है। उधर है आदमी, वही लाइन तो उधर है। मंदिर में और ये है कुछ मंदिर, अभी हमने कर ली प्रक्रमा और ये हमारा चढ़ गया प्रसाद, अभी हमें यहाँ नारियल चढ़ाना है। वहाँ चुन्नी वगैरह चढ़ाना होता है सामने, अगरबत्ती वगैरह। भाई ये देखो सामने, ये देखो ये सारे लोटस हैं, ये देखो कमल के फूल हैं ये सारे। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर। तो भाई आप लोगों ने मंदिर देख लिया, अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, बाकी कुछ रहता है आगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय। बुलाओ उसको, दिल दिखाओ। हेलो आई मारेगा सीसा पे मेरा। हेलो उतरी सीसा ऊपर का चला जाए, कूद गया। तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सो।